डियर फ्रेंड, आप सभी देख रहे हैं सॉइल मैकेनिक्स। और सॉइल मैकेनिक्स में आज हम सभी पढ़ने वाले हैं डिटरमिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी बाय फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट, या वेरिएबल हेड परमेबिलिटी टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, इसको वेरिएबल हेड परमेबिलिटी टेस्ट भी बोला जाता है, कि ताकि आपको अगर ऐसा नाम भी लिखा रहे तो आप कन्फ्यूज ना हो। ठीक है, अभी इसके पहले वाले जो आपने वीडियो देखा होगा, जिसमें कॉन्स्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया, यहाँ पर फॉलिंग हेड मतलब वेरिएबल हेड है। ठीक है, यहाँ पे जो हेड है वो वेरिएबल हो रहा है। ठीक है, कभी उसकी हाइट वहाँ पर रहती है, कभी हाइट कम होती है, तो ये वेरिएबल हेड है। तो उसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी किस तरीके से फाइंड आउट किया जाएगा, काफ़ी कुछ कॉन्स्टेंट हेड की तरह सेम है, बस थोड़ा सा यहाँ पर जो नेम है ना, वहाँ पर हेड कॉन्स्टेंट था, यहाँ पर वेरिएबल है, वही चीज़ डिफरेंट है, बाकी और प्रोसीजर सब सेम ही है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि इक्विपमेंट सेम वही जो कांस्टेंट हेड के लिए था, वही इसमें इक्विपमेंट है। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं आपको फिगर दिखा दूँ, जिससे आपको आइडिया मिल जाए कि ये आपका फिगर है। ठीक है, ये आप अगर अब देखोगे तो ये जैसे सैंपल थे, जैसे उसमें था सेम वही, बस इसके साथ ये इस तरीके का स्टैंड पाइप यूज करेंगे। ठीक है, जिसमें ये फ्यूनल लगा होगा और इसके अंदर वाटर को हम डालेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में जो प्रोसीजर सेम प्रोसीजर है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि सबसे पहले तो सैचुरेटेड कर लो। देखो यहाँ पे वाटर लेवल आ गया, पहले से ये सैचुरेटेड कर लिया, इसके अंदर वॉइड्स नहीं है, वाटर का लेवल है, ये पूरा सैचुरेटेड है वाटर से। ठीक है, यहाँ पर ये फिल्टर पेपर लगाया गया है, नीचे पोरस स्टोन है, यहाँ तक हेड तो हमारा है, वाटर लेवल यहाँ तक है। ठीक है, इस लेवल तक वाटर हेड है। ठीक है, ध्यान से समझ लेना, वाटर हेड यहाँ तक तो है ही है। ठीक है, वाटर हेड बोले मतलब ये जो बॉटम वाला जो टैंक बनाएंगे ना, यहाँ तक तो वाटर है, इतना पॉइंट समझ लिए। ठीक है, अब ऊपर से हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ तक मैंने वाटर लेवल था। ठीक है, यहाँ तक वाटर लेवल था और उसके बाद मैंने वॉल को ओपन किया, ये जो वॉल है इसको ओपन कर रहे हैं। ओपन करने के बाद वाटर इसके अंदर से पास होगा और स्टॉप वॉच को हम चालू कर देंगे कि कितने टाइम में ये मतलब, फिर उसके बाद से वो जो वाटर पास हुआ वो इतने हाइट पे आ गया। ठीक है, H2 जितने हाइट पे आ गया, उसका जो हेड था वो H2 जितने हाइट पे आ गया, पहले H1 जितने हेड पे था, ये देख सकते हैं ये H1 हेड है, फिर H2 हेड तक वाटर लेवल आ गया और फिर मतलब वाटर का पास हो रहा है। तो उसके बाद ये देख लेंगे कि कितना मतलब इसमें वाटर सिलेंडर जो है आउटलेट से कितना पानी आया H1 हेड से H2 में आने में। ठीक है, H1 हेड से H2 हेड तक वाटर आने में कितना वाटर फ्लो हुआ, वो चीज़ें हम मेजर कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ये पॉइंट, और इसकी हेल्प से हम कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। आप देखोगे कि इसमें से कितना वॉल्यूम पास हुआ और यहाँ पर कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर आया, ये बहुत दोनों मायने रखता है। ठीक है, दोनों मायने रखता है जो आपको कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा। तो प्रोसीजर लमसम मैंने सारे प्रोसीजर आपको समझा दिए हैं कि ताकि आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि वही चीज़ है, प्रिपेयर रिमोल्ड सॉइल स्पेसिमेन इन परियोमीटर। ठीक है, परियोमीटर मोल्ड है एंड सैचुरेटेड इट, कीप द परियोमीटर मोल्ड इन द बॉटम टैंक एंड फिल द बॉटम टैंक विथ वाटर ऑफ इट्स आउटलेट। ठीक है, आउटलेट तक कनेक्ट द वाटर इनलेट नोजल ऑफ द मोल्ड टू द स्टैंड पाइप फिल्ड विथ वाटर, परमिट वाटर टू फ्लो फॉर सम टाइम टिल स्टेडी स्टेट ऑफ फ्लो इज रीच्ड। वही फोर्थ पॉइंट की देखोगे, फोर्थ पॉइंट का, नाउ ओपन द वॉल एंड ऑफ स्टैंड पाइप एंड रिकॉर्ड द टाइम टू फॉल द हेड फॉर H1 टू H2, रिपीट दिस स्टेप एटलीस्ट ट्वाइस। ठीक है, एटलीस्ट दो बार और इसको मतलब प्रोसीजर को सेम करें, जिससे कि अलग अलग सैंपल लेके अलग अलग चीज़ों पे रिपीट करके देख सकते हैं, और इस फॉर्मूले के यूज करके आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर पॉइंट को अगर मैं बताऊँ यहाँ पे, तो K इक्वल टू 2.3 ए जो स्मॉल ए है ना, ये जो आपने ऊपर जो स्टैंड पाइप यूज किया था उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है स्मॉल ए, और ये लेंथ जो सॉइल जहाँ से पास हो रहा है वो एल है, अपन ए जो ये कैपिटल ए है वो सॉइल का जो है ना, सॉइल का स्पेसिमेन का क्रॉस सेक्शन एरिया है। ठीक है, मतलब मोल्ड का इंटरनल डायमीटर का एरिया बोल सकते हैं, और ये टाइम कितने टाइम में H1 हेड से H2 आया, लॉग 10 H1 अपन H2। ठीक है, ये चीज़ ये फॉर्मूला में यूज करके और आप कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या चीज़ें ज़रूरत है, सिंपल सा आपको नोट डाउन करने की ज़रूरत जो है, बाकी सब चीज़ें तो आपको
आपके जो परमेबल मोल्ड हैं, जो आपका सिस्टम है जिसके थ्रू आप फाइंड आउट कर रहे हो, उसमें देखो आपको एल भी आपको पता है, ए भी पता है, कैपिटल ए भी पता है, क्या नहीं पता है? टी। देखो इसका टी नहीं पता है, जो आप टेस्ट करोगे तो आपको पता होगा, ठीक है, जब टेस्ट करोगे तो आपको पता होगा। एच वन आपको नहीं पता है, जो आप लोगे वो चीज़ होगा, फिर एच टू आपको नहीं पता। यही तीन चीज़ तो चाहिए, ये तीन चीज़ें मिल गई तो आपको कोएफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी फाइंड आउट हो जाएगा, बस कुछ करना है नहीं, ठीक है, इजी तरीका है। तो मुझे ये तीन चीज़ें अगर मिल जाती हैं तो मैं कोएफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी फाइंड आउट कर लूँगा ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके। अब ये फॉर्मूला कैसे आया है, उस चीज़ों को अगर आप ध्यान से समझेंगे, अगर आप चाहते हैं कि इसका डेरिवेशन चाहिए कि के इक्वल टू 2.3 ए इंटू एल अपन कैपिटल ए इंटू टी लॉग 10 एच वन अपन एच टू कैसे आया है, तो उसके लिए आपको कमेंट करके पूछना पड़ेगा कि ये सर, ये इसको अगर डेरिवेशन करना है तो कैसे ये फॉर्मूला कैसे आया है, उसको डिराइव करके बताइए। तो उसको भी मैं डिराइव करके आपको सामने लेकर आऊँगा कि ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि ये देखो प्रीवियस वाला तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, प्रीवियस की के इक्वल टू क्यू इंटू कैपिटल क्यू इंटू एल अपन टी, टी है, एच है और ए कैसे आ रहा है, वो चीज़ें तो मैंने आपको आइडिया देके समझा दिया। लेकिन यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है ये कैसे आया है ये जानना चाहते हैं तो नीचे आपको कमेंट करके ज़रूर बताना होगा कि सर ये फॉर्मूला कैसे आया, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर सारी चीज़ें तो मैंने यहाँ पर बता ही दी हैं। अभी यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है, जो जानने योग्य है और इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आप हो सकता है कि एमसीक्यू जैसे क्वेश्चंस अगर आ रहे हैं, चाहे 1 मार्क का क्वेश्चंस आ रहा है, तो उसमें ये चीज़ें पॉइंट आप लिख सकते हो कि जो कांस्टेंट हेड वाला है परमेबल टेस्ट इज यूज फॉर मोर परमेबल सॉइल, जो मोर परमेबल हो, ठीक है, मोर परमेबल कौन सा हो सकता है, जिसकी साइज ज़्यादा हो, जो पार्टिकल जो सॉइल का पार्टिकल जितने ज़्यादा होगा उतना ही वो मोर परमेबल होगा, जैसे लाइक सैंड, सैंड से ऊपर ग्रेवल, ग्रेवल से ऊपर आप जाओगे तो बोल्डर जा जाते हैं, बहुत सारे ऐसे साइज आपको देखने को मिल जाएंगे जो मोर परमिएबल होते हैं। वहीं लेस परमिएबल के लिए फॉलिंग हेड होता है, वेरिएबल हेड परमिएबिलिटी टेस्ट होता है, जैसे कि क्ले हो सकता है, सिल्ट बोल सकते हैं, इन सब चीज़ों के लिए हम फॉलिंग हेड परमिएबिलिटी टेस्ट का यूज़ करते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे, सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे, कि ताकि आपको हेल्प करे आपकी जो नॉलेज लेने की, जो आप नॉलेज लेने के लिए वीडियो देख रहे हो, वो आप वीडियो देख के आपको ऐसा लगे कि आपको समझ में आ गया है, ठीक है। इस तरीके से मैं ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ कि ताकि आपके जो जो भी प्रॉब्लम है उसको आप सॉर्ट आउट कर सको, ठीक है। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए, क्योंकि अगर आप बेस्ट होंगे तो देश में हमारा बेस्ट होगा। तो देखते रहिए और अपने जो दोस्त मित्र हैं सबको बेस्ट बनाना है, क्योंकि हमारे जो देश है वो एक व्यक्ति से नहीं है, सभी से मिलकर बना है। तो सबको बेस्ट बनाना है तो शेयर जरूर करें। तो देखते रहिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।